हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ मेरे साथ जापान के हेयर सैलून, तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वैसे ये मेरा थर्ड टाइम है जापान में हेयर सैलून जाना, बट इस बार मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि मुझे हेयर कट करवाना है और हेयर कलर भी करवाना है। बाल कटवा लूँ? कटवा लूँ, पर इतनी मुश्किल से लंबे किए हैं। तो फिर ना कटवाओ। मगर आजकल छोटे बालों का फैशन है। तो फिर कटवा लो। पर लंबे बाल आपको भी तो पसंद है। तो फिर ना कटवाओ। पर मेरी फ्रेंड्स कहती है मेरे फेस पे शॉर्ट हेयर अच्छे लगेंगे। तो फिर कटवा लो। मगर छोटे बालों की चोटी नहीं बनती ना। हेयर कट तो इसलिए करवाना है कि काफी टाइम से करवाए नहीं है मैंने। इंडिया में ही करवाती हूँ, बट इस बार सोचा जापान में करवा लेती हूँ, क्योंकि ना जापान में समर स्टार्ट हो गए और समर में बालों की इतनी केयर नहीं हो पाती है और मेरे बाल ना डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सेकेंड थिंग, कलर इसलिए करवाना है कि हेल्पलेस हैं हम लोग। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको कलर की नीड होती होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बालों में कलर अप्लाई करूँगी, बट क्या बोलूँ अब। ठीक है, तो चलो हेयर सैलून चलते हैं जल्दी से, और यहाँ के प्राइस क्या होते हैं वो भी आपको बताती हूँ, और अंदर शूट करने की परमिशन लूँगी मैं। तो परमिशन दी अगर उन लोगों ने तो मैं शूट करूँगी, वरना वहाँ से निकल के आपको मेरा हेयर का फाइनल लुक बताऊँगी और मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो चलिए व्लॉग पे बने रहिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरी बाइसिकल और आज का वेदर, चलते हैं जल्दी से। तो मैं आ गई हूँ हेयर सैलून जिसका नाम है 11 कट, और ये सेकंड फ्लोर पे है बिल्डिंग के। बट फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे पोल साइन ज़रूर होता है जिसमें रेड और वाइट स्ट्रिप्स होती है। तो जापान के हेयर सैलून का ये पोल साइन है, और वीडियो बनाने की परमिशन भी मैंने ली थी यहाँ पर उन लोगों ने बोला कि प्रॉपर पूरा वीडियो नहीं बना सकते हो, कुछ अपना खुद का बना सकते हो, तो इसीलिए मैंने खुद का थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बना लिया। जापान की कस्टमर सर्विस ना बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आप कहीं भी चले जाओ, रिसॉर्ट में, होटल में, हेयर सैलून में, या फिर कोई सी भी शॉप पर चले जाओ, कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कस्टमर की। और यहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी सर्विस होती है उसको जापानीज़ में ओमोतेनाशी बोलते हैं, मतलब कि यहाँ कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज़ मच एज़ पॉसिबल, और बहुत ही अच्छे से उनको समझते हैं, छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और ना जापान के हेयर सैलून में जो टूल्स और जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो भी इम्पोर्टेड क्वालिटी के होते हैं, जो कि बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते हैं बल्कि हेल्दी बनाते हैं। तो ऐसी होती है यहाँ की बेस्ट क्वालिटी सर्विस। तो फ्रेंड्स, फाइनली हो गया मेरा हेयर कट डन। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा सिंपल सा हेयर कट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैंने लिया है सिंपल वाला हेयर कट, क्योंकि ना इंडिया में हर बार मैं स्टेप कट वाला ही लेती थी, और इसके पहले भी स्टेप कट ही था मेरा, बट अभी है ना बालों का वॉल्यूम इतना नहीं है, तो मैंने सोचा इस बार सिंपल वाला लेती हूँ। तो डीप यू में है थोड़ा सा सिंपल सा, और फ्रंट से भी उनने जापानीज स्टाइल में थोड़ा सा कट किया है। कलर की बात करें तो कलर भी नेचुरल ही रखा है, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि नेचुरल अच्छा लगेगा आपके बालों पे, तो ब्राउन में ज़्यादा ब्राइट नहीं करवाया मैंने, नेचुरल ब्राउन ही रखा है। तो आई डोंट नो आपको कैमरे में इतना दिख रहा होगा कि नहीं, बट हाँ हल्का सा नेचुरल ब्राउन कलर लग रहा है। तो कलर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो अब अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। मैंने तीन चीज़ें ली है यहाँ पर, कलर, कट और ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो उन्होंने कट एंड ब्लो किया, मैंने जो भी बताई थी इमेज उस अकॉर्डिंग उन लोगों ने मेरा हेयर कट किया। मुझे एक्चुअली सिंपल ही करवाना था, तो उन लोगों ने मैंने जो फोटो बताई थी उसके हिसाब से कर दिया, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था फ्रंट से कैसे करना है। तो वहाँ पे टोटल जापानीज चलती है, और ना जापान में कुछ इंग्लिश स्पीकिंग वाले सैलून्स भी होते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो अगर आपको कुछ भी जापानीज नहीं आती है। तो कट एंड ब्लो के बाद कलरिंग किया उन्होंने,
कलरिंग इतने प्रॉपर तरीके से किया ना उन्होंने, स्किन का प्रॉपर ध्यान रखा कि कलर थोड़ा सा भी स्किन पे ना लग जाए, पूरा कवर कर दिया था। इवन ईयर्स को भी उन्होंने कवर किया था कि ईयर्स गंदे ना हो, और हेयर कलर का जो टाइम था ना वहाँ पे टाइमर भी लगा हुआ था, तो प्रॉपर उतने टाइम में कलर को रखना था। उसके बाद हेयर वॉश की प्रोसेस हुई, तो वहाँ पे ना जापान में रोबोट वाले वॉशर होते हैं, हेयर वॉशर, जो कि ऑटोमेटिकली बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं, फिंगर टाइप रहते हैं, तो जिसे एकदम ह्यूमन अपनी हेड को जो मसाज देता है वैसी वाली फीलिंग उसमें आती है, तो बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा था उस टाइम पे। तो हेयर वॉश के बाद ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में भी उन्होंने कुछ अप्लाई किया था, जेल वगैरह ट्रीटमेंट जो भी था, उसका भी टाइमर था तो टाइमर ऑन कर दिया था उन्होंने। उसके बाद अगेन वॉश किया, और ये है मेरा कंप्लीट हेयर कलर ट्रीटमेंट एंड कट वाला लुक। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। और प्राइस की अगर बात करें तो रीजनेबल था ये सैलून, ज़्यादा हाई एंड पे नहीं गई मैं, और जाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे, तो ये रीजनेबल था। हेयर कट का इसमें लगा मुझे 1550 येन, कलरिंग का लगा 4500 येन, और ट्रीटमेंट का लगा 1000 येन, प्लस 10% टैक्स भी लगा। यहाँ पे हर चीज का टैक्स भी लगता है। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। थोड़ी बहुत जापनीज जैसे भी आती थी समझाने की मैंने कोशिश करी और उन लोगों ने भी समझी, और इन एडिशन उन लोगों ने मुझे मेरे बालों के अकॉर्डिंग शैम्पू कंडीशनर ये भी सजेस्ट किया है। मैंने पूछा था ओसुसु में तो उन्होंने सजेस्ट किया है, तो बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के जापनीज पीपल ना, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, तो ऐसा अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। आप लोग भी अगर जापान में रहते हो तो एक बार जापनीज सैलून जरूर ट्राई करें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।